अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद मुसा। वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, एक बार फिर मैं लाया हूं अनबॉक्सिंग वीडियो, जो कि है एक फ्लैश गन के बारे में। जी, आज हमारे पास है शैनी की फ्लैश गन, जो कि है मॉडल SN600C फॉर कैनन। तो इसको आज हम अनबॉक्स करेंगे, देखते हैं इसके अंदर किस तरह है। तो ये है हमारी फ्लैश गन। बिल्ड क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी है। इसके साथ में आपको मिल जाता है एक स्टैंड, जो कि इतना यूज तो नहीं होता, और इसमें यूजर मैनुअल लोगे। अच्छा, इसमें एक स्क्रीन दी जाती है जिसमें आप सेटिंग कर सकते हैं, और ये है इसका सेंसर, यहाँ से फ्लैश निकलती है, और यहाँ है एक डिफ्यूज़र दिया जाता है जो कि लाइट की हार्शनेस को कम करता है। और ये है इसके बटन, यहाँ से आप कैमरे के साथ कनेक्ट करेंगे, यहाँ लॉक दिया जाता है। और ये है जी सेल डालने के लिए। दोस्तों, इसके साथ बैटरी नहीं आती, इसके साथ हमें सेल परचेज करना पड़ते हैं, अलग परचेज करना पड़ते हैं, जो कि रिचार्जेबल होते हैं। और ना ही आपको इसके साथ चार्जर मिलेगा, वो भी आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। तो इसमें हम सेल डाल कर देखते हैं और चलाते हैं। यहाँ पर आपको इंडिकेटर दिया जाएगा, यहाँ देख कर आप इसके मुताबिक सेल डाल सकते हैं। दोस्तों, ये मैं रिव्यू उनके लिए कर रहा हूँ जो इस फील्ड में नए हैं, जो बिगनर्स हैं उनके लिए, वरना आप लोग मुझसे बेहतर जानते हैं। इसको हम ऑन करेंगे, ये ऑन हो गई, और यहाँ से आप मोड सेलेक्ट कर सकते हैं। ये है इसका मैनुअल मोड, मल्टी और ETTL। ETTL जो है इसका, ये ऑटो मोड होता है, आपने फिलहाल इसी पर ही रखना है। और अच्छा, बैटरी डालने के बाद यहाँ आपको रेड लाइट नजर आएगी, इस बात की अलामत है कि आपकी जो फ्लैश है वो रेडी टू फायर है। फिलहाल आप इसको प्रेस करेंगे तो देखें, ये फ्लैश निकल रही है, और इसका मतलब हमारे जो सेल हैं वो फुली चार्ज हैं। अच्छा, ये इसको आप यहाँ से प्रेस करेंगे फिर ये रोटेट होगी। तो यहाँ पर आपको एंगल शो किए जाते हैं, इस तरह ये 45, 60, 75, इसके मुताबिक आप इसको देखकर एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं कैमरा के साथ अटैच करके दिखाता हूँ आपको। इसको आपने इस तरह से अटैच करना है, यहाँ लॉक बना, इसको आपने लॉक कर देना। इसके बाद सिंपल ही आपने फ्लैश तो ऑन है, अपना कैमरा ऑन करना है, कोई ख़ास सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपने ETTL मोड पे लगाया हुआ है, समझो ऑटो मोड है। इस पर आप अपनी मर्जी से इसके एंगल चेंज करके व्यू ले सकते हैं। तो ये था हमारा छोटा सा रिव्यू, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।